कर्मचारी हक लेने पर अड़े। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अपने हक के लिए कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सरकार उन्हें सस्पेंड ही क्यों ना कर दे, उनकी लड़ाई चलती रहेगी। एक तरह से देखें तो कर्मचारी अब हरगिज भी झुकने को तैयार नहीं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की माने तो चुनावी साल में ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, पर क्या सरकार और संगठनों की लड़ाई के बीच आम कर्मचारी का कोई फायदा होगा या वह सिर्फ पिसता ही रहेगा। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के सेगमेंट को हम शुरू करें, एक खुशखबरी है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए। राजेश, क्या खुशखबरी है? सबसे पहले खुशखबरी से शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल जी, हिमाचल के जितने भी अनुबंध पे कर्मचारी लगे हुए हैं, क्योंकि वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, जब से कॉन्ट्रैक्ट जेसीसी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया था कि उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को घटाकर 3 से 2 साल किया जाएगा। अब क्योंकि कर्मचारी रेगुलर नहीं हो पा रहे थे तो एक सवाल एक तरह से उठ रहे थे। अब कर्मचारी उन खुशखबरी उन कर्मचारियों के लिए, शिक्षा विभाग के क्लर्क या लिपिक और जेओए आईटी के लिए आज जो एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जॉइंट डायरेक्टर की ओर से, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे उनकी रेगुलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं और 31 मार्च के बाद ये सीधे तौर पे रेगुलर होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लरिकल के लिए, और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है जो जितने भी जेओए आईटी के कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, रेगुलर होने जा रहे हैं 2 साल बाद। राजेश, बिल्कुल, देखिए एक डिपार्टमेंट का इश्यू हुआ है ना, एक डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट के क्लर्क्स के लिए हुआ है। अभी हम ये बोल देते हैं, बहुत से वर्ग हैं, शिक्षा विभाग सबसे बड़े विभागों में एक है हिमाचल प्रदेश में। बड़ी बात है, आप ये मत देखिए कि सिर्फ क्लर्क्स का हुआ है। बड़ी बात यह है कि सरकार को ध्यान में आ गया है कि 31 मार्च को आप लोगों को रेगुलर भी करना है। जी बिल्कुल, है ना जी, बिल्कुल। तो जितने भी 30 सितंबर के बाद, पिछले साल 30 सितंबर 2021 के बाद जितने भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते 2 साल हो गए हैं, वो 31 मार्च को पक्के होने जा रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया है। आप अपना जरा इंतजार कीजिए आपके डिपार्टमेंट का, क्या कल तो छुट्टी है, उसके सोमवार को बहुत से विभागों के ऑर्डर आ जाएंगे, मंडे को ये उम्मीद जताई जा रही है बहुत से विभागों के ऑर्डर निकलेंगे और 31 मार्च से पहले पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजेश, एक और चीज रहती है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की या बाकी कर्मचारियों की भी, कि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर सर्विस में डाला जाता है तो उनके डिपार्टमेंट क्या होता है कि उससे ठीक पहले जी, जैसे ही मान लीजिए 31 मार्च है तो कई बार क्या होता है कि एक हफ्ता सरका दिया जाता है रेगुलर करने के लिए कर्मचारियों को, लेकिन उससे जो एक हफ्ते का वक्त होता है उसमें जिन लोगों की प्रमोशन भी होती है डिपार्टमेंट में, उनको पहले प्रमोट कर दिया जाता है। बिल्कुल, है ना। और होता क्या है फिर, उससे जो जूनियर कर्मचारी होते हैं वो सीनियर बन जाते हैं और उन लोगों से जो उनसे बड़ी पोस्ट में पहले से अपॉइंट हो रखे होते हैं। राजेश, इस पे भी कर्मचारियों की थोड़ी कंसर्न है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, देखिए कर्मचारियों की लगातार बेचैनी है, कर्मचारियों की एक कंफ्यूजन तो दूर हो गई क्योंकि बजट भाषण में इस चीज का उल्लेख नहीं था, तो कंफ्यूजन वहां थी क्योंकि इस तरह के आदेश हुए नहीं थे, अब रेगुलर होंगे नहीं होंगे। ये जो प्रक्रिया थी ये 27 नवंबर जेसीसी की मीटिंग की प्रक्रिया थी। अब आते हैं दूसरे मसले पे। दूसरा जो मसला है उसमें यह कहा जाता है सीधे तौर पर कि विभाग जानबूझकर यह प्रक्रिया अपनाते हैं कि जितने भी उनके एक लाइन में जो कर्मचारी प्रमोशन का जो चैनल एक होता है, जब ये कर्मचारी रेगुलर हो रहे होते हैं तो इसी बीच विभाग ठीक पहले अब उनको प्रमोट विभाग कर देता है। होता यह है कि जो उनके जूनियर होते हैं, जिस स्केल पे वो कर्मचारी लगे होते हैं, वहां से ये सीधा प्रमोशन का जंप लेके फिर जो ये कर्मचारी रेगुलर जो होंगे इनके सीनियर बन जाते हैं। तो इससे एक तो सीनियोरिटी का नुकसान हो जाता है, दूसरा पोस्ट क्रिएशन को लेकर भी पचड़ा रहता है, दिक्कत यहां आती है सबसे ज्यादा। तो कर्मचारी उम्मीद जता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा इस मर्तबा, है ना जी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री साहब की और शिक्षा मंत्री साहब के ध्यान में था ये मसला या बाकी सारे विभागों में भी ऐसा होता रहा है प्रथा, तो शायद इस बार ये नहीं हो, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा चुनावी साल में एक बड़ा हल्ला मच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, झुकेगा नहीं कर्मचारी जी, हिमाचल का कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है, राजेश ऐसा उनका कहना है जी। राजेश, ये मैं आपको एक कोट बोल के दिखाता हूं अपने सभी दर्शकों के सामने, हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों की आवाज दबा रही है और इसके लिए तबादलों आदि का सहारा लिया जा रहा है जी। कर्मचारी नेता की ओर से यह सीधा आरोप लगाया गया है जी।
कौन नेता है, क्या आरोप है और किस संदर्भ में है ये? बिल्कुल देखिए, ये जो नेता है ये है संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान। आज मीडिया से रूबरू हुए वीरेंद्र चौहान, वही वीरेंद्र चौहान है जिन्होंने पे कमीशन की एनोमली को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन किया। अब इन्होंने मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला था क्योंकि ओपीएस की बहाली को लेकर स्टैंड इन्होंने सीधे तौर पर एनपीएस कर्मचारियों का समर्थन कर दिया, चार जिलों में रैलियां इन्होंने निकाली। सरकार ने इन पे कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अगर विभागीय कार्रवाई को हम देखते हैं तो विभाग ने भी एक तरह से इनके ऊपर कार्रवाई कर दी, बाद में जिस तरह से इन्होंने बगावत का एक तरह से आवाज बुलंद कर दी थी कर्मचारियों के हक के लिए जिस तरह से लड़ रहे थे, सरकार ने इनके और इनके संगठन के कर्मचारियों की ट्रांसफर कर दी। अब ये सीधे तौर पे इन्होंने आज सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अब सरकार काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों की ट्रांसफर कर दी, अब इन्होंने चुनौती दे दी है अग्निहोत्री। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, वीरेंद्र चौहान ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि कर्मचारी बिल्कुल नहीं डरेंगे, धरने के दिन गए, उनका ये कहना है, अब आर पार की लड़ाई होगी और लड़ाई का प्रतिफल क्या होगा? उन्होंने इशारा किया है दो बड़े ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे सरकार एक तरह से अटकी हुई है। बिल्कुल, वो है सबसे पहले नगर निगम चुनाव और उसके बाद मिशन रिपीट से पहले विधानसभा चुनाव जीतने पड़ेंगे वर्तमान सरकार को भाजपा के बैनर तले। उन्होंने कहा वीरेंद्र चौहान ने कि इन चुनावों में हम अपना जवाब देंगे। बिल्कुल, कितना बड़ा बयान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक बयान है, सीधे तौर पर सरकार को चुनौती है। अगर हम कर्मचारी इन नेताओं की अगर हम दलील मानते हैं अग्निहोत्री जी, ये तो सीधे आर पार के मूड में अब कर्मचारियों ने कर दिया है। इनकी तरह ही कितने और कर्मचारी ऐसे हैं, कितने संगठन और हैं जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है। मई में होंगे शिमला नगर निगम के चुनाव, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल सीधे तौर पे है, जहां भाजपा और कांग्रेस पार्टी चिन्ह पे चुनाव जहां लड़ने जा रही है। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित है विधानसभा के चुनाव, तो बहुत बड़ा घटनाक्रम ये माना जा रहा है, बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये मानी जा रही है। अब अगर हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बयान देख लेते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हमने कर्मचारियों को हर संभव जितनी भी उनकी मांगे हैं वो मानने की कोशिश उनकी की है, और दूसरा उन्होंने ये चीज कही है, क्योंकि सुजानपुर में थे जब वो इसके होली मेले के समापन पे, दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि चुनावी साल ये जो होता है इसमें कर्मचारी जितने भी संगठन है वो कोशिश में रहते हैं, इससे पहले भी रहे हैं, कि वो अपनी दबाव बनाकर सरकार पे अपनी मांगे मनवा लें। बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा कि आज की बात नहीं है, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर होते ही रहे हैं। आप प्रदेश की पृष्ठभूमि या प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, जब इनके अब क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के बयान को हम देखते हैं तो सरकार भी तैयार है और कर्मचारी भी अब बार के मोड में लग रहे हैं, तो सीधे तौर पे बहुत रोचक एक तरह से ये जंग होने जा रही है। जी, रोचक होने जा रही है जंग। मुख्यमंत्री के जवाब को देखें तो उसके दो पहलू हैं। एक तो उन्होंने ये उनके कहने का एक अर्थ ये हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि हम तैयार हैं, दूसरा ये भी हो सकता है जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए हर सरकार को कर्मचारियों का दबाव झेलना पड़ता है, खासकर चुनावी साल में। इस मरतबा ये हो रहा है कि सिक्स्थ पे कमीशन भी आ गया है, तो चीजें थोड़ी और हैवी हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब के बोलने से एक चीज ये भी समझी जा सकती है कि शायद उनको ये लगता है कि वो आगे चल के इलेक्शन से पहले कर्मचारियों को मना लेंगे। अब देखते हैं, अगर मना लेते हैं तो फिर ये मामला सुलझ जाएगा, ये सबके लिए बेहतर होगा, कर्मचारियों की मांगें पूरी हो जाएंगी और सरकार को समर्थन और सरकार के साथ टेंशन दूर हो गई सरकार की। अब देखते हैं ये किस तरफ हवा मुड़ेगी। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा राजेश, संयुक्त कर्मचारी संघ जो आपने बताया, ये उस संघ के बिल्कुल विपरीत है जिस संघ को सरकार ने मान्यता दी हुई है। बिल्कुल, है ना जी, जो कर्मचारी संघ है अश्विनी ठाकुर जी वाला। तो राजेश देखिए, जब से ये संघ बना हुआ है, इन्होंने भाई ताजा है जी, है ना जी, और इसने दबाव बनाया पैरेलल उन्हीं मांगों को लेके जो संबद्धता प्राप्त संघ भी है। कार्रवाई हो रही है इस संघ पे जी, इसी संघ पे हुई है ना जी। बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक चीज है, कार्रवाई कई काफी सारे कर्मचारियों पे हो गई, लेकिन पे कमीशन जिसके लिए संघ बना हुआ था जी, वो तो अभी बहुत सारी मांगे पेंडिंग है ना जी, अभी क्या क्या है वो? बिल्कुल सही है, देखिए मांगे बहुत सारी पेंडिंग है, और जिस तरह से ये संयुक्त जो कर्मचारी महासंघ है इसका गठन ही एक तो ओपीएस को लेकर इन्होंने स्टैंड ले लिया जी, है जी। दूसरा इन्होंने पे कमीशन को लेकर मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला था, जितनी भी विसंगतियां हैं दूर करिए। सरकार ने 15% की ऑप्शन देके एक मांग एक तरह से मान ली थी। एनजीओ की जो विफलता थी या जो सरकार ने जिसको मान्यता दे रखी थी, उस विफलता को कैश करने के लिए ही इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ था। चार जिलों में रैलियां मैंने आपको अग्निहोत्री जी बता दिया। अब दूसरी दिक्कत है कि इनकी वीरेंद्र चौहान की भी ट्रांसफर हो गई है, इनके जितने भी संघ के पदाधिकारी थे ट्रांसफर हो गई है। कर्मचारियों ने मोर्चा यहीं से खोल रखा है कि जब जो कर्मचारियों का कहना है कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, सरकार से अपना हक मांग रहे। अब दबाव दो तरह का है और उस दबाव को हम दो तरह से समझते हैं। सरकार कर्मचारियों पर एक तरह से दबाव यह डाल रही है कि आपने अगर अपनी मांगे मनवानी
करनी है तो प्रदर्शन का रास्ता छोड़िए, सलीके से और शांतिपूर्वक बात करिए। और अगर हम कर्मचारियों की दलील मानते हैं अग्निहोत्री जी, तो कर्मचारी कह रहे हैं कि हम अपना आपसे हक मांग रहे हैं, सरकार से खैरात नहीं मांग रहे, और दबाव क्योंकि दोनों ओर से बना हुआ है। अब देखना होगा कि पहल कौन करता है, झुकने की पहल कौन करता है, मांगे मानने वाला पहल करता है या मांगे मनवाने वाला पहल करता है, यह देखना होगा। और इस मसले का हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक कोई एक पार्टी स्टैंड नहीं लेगी जिसमें सरकार की भूमिका भी अहम है या संयुक्त कर्मचारी जो महासंघ है या जितने भी आंदोलनरत जो कर्मचारी है उनकी भूमिका भी अहम है। सिर्फ संयुक्त कर्मचारी महासंघ पे ही कार्रवाई नहीं हुई, एनपीएस के कर्मचारियों पे भी कार्रवाई हुई है। एनपीएस के कर्मचारियों शिमला में जिन्होंने जोई अमामा के नारे लगाए, वो 5 कर्मचारियों को एक स्कूल से ट्रांसफर सरकार ने कर दिया, तो वहां से भी थोड़ा सा मोर्चा सरकार के खिलाफ खुल गया है कर्मचारी वर्ग की ओर से। कर्मचारी वर्ग की ओर से मोर्चा खुल गया, हालांकि हम ध्यान दें कि ये वही है, ये आपने दूसरे संघ का भी नाम लिया, पर ये वही कर्मचारी हैं जो कि आधिकारिक और संबद्धता प्राप्त जो महासंघ है उसके पैरेलल खड़े हुए हैं। बिल्कुल है ना, क्योंकि उनका मांग मनवाने का तरीका दूसरा है, सरकार से सीधा राबिता है उनका, तो सरकार से मिलजुल के उनका ये यहां संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं लोग। वर्तमान में आपने मांगों की बात की, सबसे बड़ी मांग तो कर्मचारियों की ओपीएस ही है, खासकर उन कर्मचारियों की जो 2003 के बाद अपॉइंट हुई है, जब भी वो डेट थी कोई भी। जी जी। अच्छा, इसमें एक कर्मचारियों को ये मलाल रहता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं सरकार में, जो प्रभावशाली लोग हैं वो उस इस दायरे में आते ही नहीं जी, बिल्कुल एनपीएस के दायरे में नहीं आते हैं। बिल्कुल, वो जो सीनियर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या बाकी कर्मचारी जी है ना, जो कि कुछ करने की या करवाने की स्थिति में होते हैं कुछ भी, वो खुद ओपीएस में आते हैं। बिल्कुल, तो ये दर्द महसूस नहीं होता है, आरोप है कर्मचारियों का उन कर्मचारियों को जिनको ओपीएस मिलती है, क्योंकि तभी देखिए ओपीएस कर्मचारियों की तरफ से अभी ऐसा हमें गायब गाय सुनने को नहीं मिला है कि हम एनपीएस कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना राजेश? बिल्कुल सही। क्या भविष्य है अभी आपको दिख रहे आने वाले कुछ दिनों में ओपीएस को लेकर एनपीएस कर्मचारियों का? अभी ओपीएस की बहाली के लिए या ओपीएस की बहाली की संभावनाओं के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी पे क्योंकि कर्मचारियों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, क्योंकि उसी कमेटी में आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस कमेटी में ओपीएस लेने वाले जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वही शामिल किए गए हैं। एनपीएस को ये लगता है कि जितने भी ये अधिकारी हैं ये तो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, ये न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन के या न्यू पेंशन जो कर्मचारी ले रहे हैं उनका दर्द क्या जानेंगे। ओपीएस की बहाली के लिए कर्मचारियों का स्टैंड भी थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट हो गया है। आप देखिए शिमला में 3 मार्च को जो हुआ, 50,000 से ज्यादा कर्मचारी पहुंचे, उसके बाद वहां जो भी नाटकीय घटनाक्रम बाद में, चाहे वो आप ये देखिए कि थोड़ा सा सरकार के अगर माने तो हिंसक उसमें तब्दील हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं अब सोशल मीडिया पे उनका आप आंदोलन अगर देखें तो गांधीगिरी की तरफ मुड़ गया आंदोलन। उसमें कर्मचारी एनपीएस के जो नुकसान है उसको लेकर फोटोज के साथ शेयर कर रहे हैं, जिनकी भी क्योंकि अब रिटायर होने लगे एनपीएस के कर्मचारी, उनको मिल क्या रहा है, कितने उनको उनकी सैलरी कितनी थी, पेंशन, इस नजरिए से अब वो सरकार को जगाने लगे हैं ताकि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ठोस कदम उठाए। देखिए गांधीगिरी की बात की आपने, जाहिर है जब केस दर्ज होंगे तो फिर गांधीगिरी ही सही रास्ता रहेगा, आपने नौकरी भी तो करनी है। दूसरी बात जो कमेटी बनी है उस पे है राजेश, उसकी आउटकम भी देखने वाली होगी, वैसे लोग बड़ा इंटरेस्ट से इंतजार कर रहे हैं, बड़े देख रहे हैं कि उसमें वो इंटरेस्टेड होगा जो भी आएगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि क्या ओपीएस पाने वाले अधिकारी एनपीएस को बेहतर विकल्प बताएंगे क्या। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो एक नई तरह की बातें सामने आ सकती हैं, ऐसा हमें लगता है। अच्छा राजेश, एक और चीज, मेरा अंतिम प्रश्न है इस सेगमेंट में आपसे, कल मंत्रिमंडल की बैठक फिर होने जा रही है, हमने देखा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मंत्रिमंडल की बैठकों की। बिल्कुल, कल संडे है पर फिर भी मीटिंग होने जा रही है दोपहर बाद। कल राजेश कुछ उम्मीद है, खासकर ये कि कर्मचारियों के नजरिए से और खासकर पे कमीशन के नजरिए से जो एनोमलीज अभी बची है जिनका इंतजार है उनपे कुछ आपको लगता है कुछ होगा कल डिस्कस? बिल्कुल, देखिए अगर मंत्रिमंडल की बैठकें अगर धड़ाधड़ हो रही है, इस महीने की आप बात कर लीजिए, दूसरी लगातार बैठक है, अगर ये बैठकें हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर नजर आ रही है कि जितने भी प्रदेश के वर्निंग इशू है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे महंगाई का है, चाहे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, तमाम तरह के मसलों को हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनावी चौसर अब सज गई है सरकार के पास भी। इस टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जिस तरह से नवंबर तक इलेक्शन प्रस्तावित है। कर्मचारियों की मांगों पर आते हैं, कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा पे विसंगति का जो मैटर चला हुआ है, सबसे बड़ी मांग तो राइडर को लेकर है। इनिशियल स्टार्ट के लिए हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है, अब सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो भी 30 अप्रैल तक अगर वो रिपोर्ट सरकार को अपनी
कंपनी सौंपेगी तो फिर सरकार की थोड़ी सी कमेटी की गंभीरता पे भी सवाल उठाया जा रहा है। राइडर जस का तस फंसा हुआ, कर्मचारियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पुलिस पे बैंड, जिन पुलिस कर्मचारियों ने लाठियां खाई, सिर फूटे, जो पुलिसकर्मी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन उठ रहे हैं उनको रोकने में जो कामयाब हो रहे हैं, वो पुलिसकर्मियों की अभी पे बैंड की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही है। एरियर कर्मचारियों का लटका हुआ, पहली जनवरी 2016 से मिलना है। कर्मचारी पेंशनरों को तो लेकर सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि अभी इस साल नहीं मिलेगा। कर्मचारी लगातार इंतजार कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा। एसएमसी और आउटसोर्स के कर्मचारी पॉलिसी को लेकर सरकार को बार बार दस्तक दे रहे हैं कि कब पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने उस पर फैसला लेना है। तो आश्वासन मिल गया शायद उनका तो हो जाएगा। ऐसे वर्ग हैं जो लगातार हर मंत्रिमंडल की बैठक में टकटकी एक सरकार की तरफ लगाए बैठते हैं कि हमारी मांगे मान ली जाएंगी, मांगे मान ली जाएंगी। और अभी तक तो यही रहा राजेश, चुनावी वर्ष में मांगे जल्दी मानी जाती हैं और ज्यादा मानी जाती हैं। देखते हैं शायद कुछ हो इसमें। जी।